बंगाल में पॉलिटिकल इक्वेशन इस तरह अभी इस तरफ ऐसा है कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरे तरफ टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस है और लेफ्ट अलायंस है। ये लेफ्ट अलायंस पहले से अभी इलेक्शन में बहुत मतलब के आगे आ गया। तो पहले ऐसे होता था कि बीजेपी और तृणमूल के बीच जो पॉलिटिकल लड़ाई ये संभावना थे, अभी लेफ्ट आने के बाद अभी लेफ्ट भी लड़ाई में आ गया। नंबर टू है ममता बनर्जी का गवर्नमेंट पांच साल में जो सब प्रोजेक्ट लिया है, इस प्रोजेक्ट में खासतौर पे गांव जो है शहर जो है इसी में बहुत प्रभाव दिया। बीजेपी मतलब अक्टूबर 2020 के बाद धीरे धीरे इस राज्य में स्टेट के मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आगे आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल में लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी ने 18 सीट जीती थी। तो नॉर्थ बंगाल का इक्वेशन अभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां पे 18 जो एमपी इलेक्शन में जो सीट मिला था उसी के हिसाब से असेंबली में ऐसे सीट मिल जाएंगे। फिर भी ये नेक्स्ट दूसरी तरफ जो साउथ बंगाल है, साउथ बंगाल में बीजेपी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी फाइट दे रहा है। अभी देखने का ये है कि ममता जी कैसे इसको संभाले। समय जी ये बात है कि ममता जी पहले बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, दूसरी बार बोले कि पहली बार जो नहीं कर पाऊंगी जो नहीं करा हूँ मैं अभी करूँगी, तीसरी बार भी वही बात बोल रहे। क्या ये बात को जनसपक्ष कैसे लेगा कि वेस्ट बंगाल की जनता कैसे रिसीव करेंगे ये बात? देखिए ममता जी जो अभी स्लोगन है तृणमूल कांग्रेस का बांग्लार मे के ही चाय, इसका मतलब है बंगला को जो मे मतलब जो लड़की उसे चुनेगा, यह है तृणमूल का अभी जो स्लोगन। ममता जी का गवर्नमेंट में जो रिफॉर्म किया है मतलब आप लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट के बाद ऐसे बहुत सारे गांव है जहां पक्का सड़क बनी है, ऐसे बहुत गांव है जहां पानी गया है, फिर भी करप्शन की चार्ज भी आ रहा है ना? इसी लेकर बीजेपी ने बोला है करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ इलाका में करप्शन की बात आ रहा है, इसको कहते हैं कि इनकम्बेंसी फैक्टर्स। तो फाइट अभी जो हो रहा है ये बहुत जबरदस्त फाइट हो रहा है दोनों के अंदर, और देखना है लेफ्ट कैसे ये फाइट में आगे जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं 34 ईयर्स यहाँ पे लेफ्ट रेजिम था, उसके बाद ममता जी आए हैं, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट आया है। सो अभी जो कहते हैं कि ट्रायंगल जो लड़ाई हो रहा है इसी में अब देखने का है किसको कितना सीट मिले।